रामा, ये हमारे शत्रु नहीं है, हमारे मित्र हैं। जैसे तुम मेरे मित्र हो, वैसे ही ये भी मेरे मित्र हैं। तुम सब ने चाल पूरी तरह से बिछा दिया है ना? हाँ कन्हैया, पूरी तरह से। जाओ शीघ्र, सब चुप जाओ। कुछ नहीं, थोड़ा आनंद गोपियों को दूंगा और थोड़ा आनंद मैं और मेरे मित्र बांट लेंगे। नारायण नारायण, भगवान कितनी बड़ी बात कह गए बालकृष्ण। आनंद देना भी है और मिलने वाले आनंद को बांट कर लेना भी है। देवर्षि, सबको आनंद देने के लिए ही तो नंद लाला का अवतार हुआ है। नारायण नारायण। देखो तो कैसे खड़ा है मेरा कान्हा। तुम्हारा कब से हुआ कान्हा? जब मेरा व्रत सफल होगा तो कान्हा मेरा ही होगा ना? तो फिर क्या हमारा व्रत सफल नहीं होगा? सबसे बात भी नहीं करता तो फिर चिढ़ाऊंगा क्यों? परंतु हम तुमसे बात करती है ना? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कान्हा, तुम्हें हमसे नहीं बोलना है तो मत बोलो। हमारी बातें नहीं सुननी है तो मत सुनो। परंतु एक बात ध्यान में रखो। जैसे ही हमारा व्रत सफल होगा तुम हमारे हो जाओगे। Yeah, she
से डरती है। आ कहती है, व्रत सफल होगा। पानी में चूहा आया तो ये क्या करेंगी? ये सब चीखेंगी, चिल्लाएंगी, बचाओ बचाओ। तो फिर व्रत कैसे सफल होगा? यदि पानी में चूहा आया तो ये क्या करेंगी? हाय राम, ये तो मिट्टी का है। इसका मतलब कान्हा ने हमें उल्लू बनाया। कान्हा! नारायण नारायण, प्रभु कृष्ण ने साक्षात्कार कराया है कि वो नारी का मित्र है, उनका सखा है। देवर्षि, इसीलिए तो कृष्ण ने गोपियों को गुरु उपदेश दिया है। यदि व्रत को सफल करना है तो अविचल होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। व्रत करना तपस्या करने की तरह है। व्रत और तपस्या के समय निर्मोही का ध्यान लगाकर अपने आप को किसी भी मोह से दूर रखना है। किसने कहा था तुम्हें कारागृह में जाने के लिए? किसने कहा था तुम्हें उस देव की और वसुदेव को सांत्वना देने के लिए? किसने? वो मेरे संबंधी है महाराज। किसने? वो मथुरा के बंदी है, हमारे बंदी। बंदी होने से संबंध बदल तो नहीं जाते ना महाराज? कृष्णे, तुम्हारी बातों में हमें विद्रोह की गंध आ रही है। विद्रोह आपसे? ये मत भूलो कृष्णे कि तुम्हारा और मेरा संबंध प्रत्येक संबंध से बढ़कर है। पति हूं मैं तुम्हारा, इसीलिए महाराज समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। महाराज, मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है केशनी, बल्कि मुझे समझने की आवश्यकता है तुम्हें। ना आप विचार करते हैं और ना ही आप दूसरों के विचार अपने मन में आने देते हैं, ना दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और ना ही विवेक से काम लेते हैं। हमेशा हमेशा बस एक ही धुन आपको सवार रहती है, अमर अमर अमर। महाराज, आप एक बात भूल रहे हैं कि अमर होने के लिए बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद और शुभेच्छा की आवश्यकता होती है, शाप की नहीं। आपके दुर्व्यवहार के कारण नहीं आपको कोई आशीर्वाद दे रहा होगा और न ही शुभेच्छा, यहाँ तक कि आपकी बहन देवकी और बहनोई भी। आपके पिताजी भी आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे होंगे महाराज। फिर आप कैसे अमर हो सकते हैं महाराज? कैसे? तुम हमारी पत्नी होकर हमारे ही मृत्यु चाहती हो? महाराज, मैं सदैव आपके दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना? किससे? उस विष्णु से।
हमारे शत्रु से। परमेश्वर किसी का शत्रु नहीं होता महाराज। आप अपने मन से ऐसे विचारों को त्याग दीजिए, फिर नहीं आपको कोई भ्रम होगा और नहीं कोई दुस्वप्न आएगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा महाराज। कैसे? हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक, परंतु तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है। आज के बाद तुम उस विष्णु की प्रार्थना नहीं करोगे। महाराज आप भी परमेश्वर की शरण में जाइए, वो आपको क्षमा कर देंगे महाराज। यदि तुम हमारी पत्नी ना होती तो इसी समय हम तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देते।